देव कनाल भाई, दिस देव कनाल ने आज तो तबाही मचा दी। देव कनाल की इनिंग्स अगर जिसने नहीं देखी वो देखे जाके, 29 बॉल्स पे 102 रन। विराट नगर में एक टूर्नामेंट हो रहा है, वहां पे देव ने सबके मुंह बंद कर दिए और एक शानदार सेंचुरी सेंचुरी गया, 29 बॉल्स पे 102 रन। अलग ही लेवल की क्रिकेट है ये, मतलब 5 ओवर भी नहीं हुए और 102 रन कर दिए। मैंने बोला भी है पहले, दिस गाय हैज सीरियस टैलेंट इन हिम, बहुत नेक्स्ट लेवल टैलेंट है ये। बट आई डोंट नो व्हाट हैज हैपेंड और क्या होता है, क्या बोलूं मैं, समझ नहीं आ रहा। बट समझ नहीं आता मुझे कि इसके साथ हो क्या जाता है जब ये इंटरनेशनल में आता है। इसके पास बहुत ब्रिलियंट टैलेंट है, सब कुछ है, स्ट्रोक मेकिंग एबिलिटी है, रनिंग बिटवीन द विकेट्स है, स्पिन को खेल सकता है, फास्ट बॉलिंग को खेल सकता है, एंकर इनिंग खेल सकता है, पावर हिटिंग कर सकता है, सब कुछ है। बट आई डोंट नो क्या होता है इसको कि जब ये इंटरनेशनल गेम खेलता है तो ये अपना 100% नहीं दे पाता, जो इसके अंदर केपेबिलिटी है वो थोड़ा सा इशू है देव के अंदर, वरना अदरवाइज आपने आज इनिंग अगर देखी हो, हिस्ट्री क्रिएट कर ली है, एक रिकॉर्ड कायम कर लिया है, मतलब फास्टेस्ट सेंचुरीज के अंदर, माना ये इंक्लूड नहीं होती है बट उसके लिए तो एक गेम पॉजिटिव साइन है ना। बट अगर इसको भी तरीके से बैकिंग की दी जाती तो ये विनोद भंडारी की जगह देव कनाल गया होता अभी रिजर्व्स में, विवेक यादव की जगह देव कनाल रिजर्व्स में गया होता, क्योंकि देव कनाल हमारा फ्यूचर प्रोस्पेक्ट है, फ्यूचर कैप्टन है, ही इज द कैप्टन ऑफ अंडर 19 टीम। उसको आप एक्सपोजर देते जाके यूएसए में, रिजर्व्स में ले जाते, कौन कह रहा है वर्ल्ड कप खिला देते, पर रिजर्व्स में विनोद की जगह उसको ले जाना या शाह आलम को ले जाना बड़ा, या मौसम दाखिल को ले जाना, इन लड़कों को ले जाना बड़ा जरूरी था क्योंकि इनको एक्सपोजर देना था, ये हमारे फ्यूचर के स्टार्स हैं और इनके साथ जाके हमारा बड़ा बेनिफिट होता। पर देव कनाल को मैं फिर बोलूंगा कि भाई इंटरनेशनल में आपको परफॉर्मेंस दिखानी पड़ेगी, यू आर अ स्टार इन डोमेस्टिक, आपकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी आती है, जब भी आपकी पिछली परफॉर्मेंसेज भी देखो, सेंचुरीज भी हैं, कभी 80s कभी 70s, बट थोड़ा सा इशू आ जाता है जब इंटरनेशनल खेलते हैं, प्रेशर है, क्या है क्या नहीं है। बड़े कोचेस के साथ काम करोगे तो ऑब्वियसली यू विल इम्प्रूव, बट व्हाट अ ब्रिलियंट इनिंग्स, पावर हिटिंग हो क्या हो, 29 बॉल पे सेंचुरी करना, चाहे कोई सा भी टूर्नामेंट हो, स्कूल लेवल टूर्नामेंट भी हो, वहां पे भी गिने चुने बंदे ही इतनी बड़े स्कोर कर पाते हैं। तो चाहे कोई सा भी टूर्नामेंट हो, छोटा हो बड़ा हो, ले डोमेस्टिक हो इंटरनेशनल हो, 29 बॉल पे 102 रन करना इज कमेंडेबल, इज समथिंग कमेंडेबल, और इसको हमें अप्रिशिएट करना चाहिए। देव कनाल इज अ फ्यूचर स्टार ऑफ नेपाल, आगे आने वाले दिनों में वो फ्यूचर कैप्टन भी है, आगे आने वाले दिनों में वो आपको बहुत ज्यादा सर्व करता हुआ नजर आएगा। बट वी हैव टू इन्वेस्ट इन हिम, इन्वेस्टमेंट करनी है, मैं फिर बता रहा हूँ, ऐसे प्लेयर्स अगर किसी और टीम को मिलते हैं तो उसमें इन्वेस्ट करते हैं, बट वी आर नॉट इन्वेस्टिंग इन हिम। कैन बोर्ड को इन्वेस्ट करना पड़ेगा उसके अंदर उसको, क्योंकि देखो दो दो परफॉर्मेंस के ऊपर लोग बोलते हैं बिठा दो, ये कर दो वो कर दो। अब आप मुझे बताओ देव कनाल को कंसिस्टेंट चांसेस कितने मिला, अभी रिसेंटली वो ए टीम की सीरीज में था, उसके बाद वो गायब हो गया, अब वो बीच में लाओगे फिर गायब हो जाएगा, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। फिर आप डिमांड करते हो हाई परफॉर्मेंस, भाई आप जितने भी लड़के आप खिला रहे हो टीम में, आपने उनको कितने मैचेस दिए, डिस्पाइट गिविंग सो मेनी फेलियर्स दे आर गेटिंग 10-20 गेम्स रेगुलरली, तो ये चांसेस उसको भी मिलना चाहिए। तो ये बातें मेरे साथ आके मत करना आज के, यार उसने इंटरनेशनल में उसने मैच खेला था, रन नहीं किया, भाई कितने मैच खेल गया वो, एक मैच दो मैच बिठा दिया, तीसरे मैच में परफॉर्म, अभी रिसेंटली जब वो खेला था उसने कोई 70-70 किए थे, नेदरलैंड या नामीबिया वाली सीरीज खेला था या कौन सी सीरीज थी, उसने रन किए थे वहां पे, पर उसके बाद वो गायब है, अभी फिर से गायब है, बट ही इज परफॉर्मिंग, ही इज प्रूविंग हिमसेल्फ, और आई थिंक कि हमें इसमें इन्वेस्ट करना चाहिए। ऐसे बहुत सारे और प्लेयर हैं जिनमें हमें इन्वेस्ट करना चाहिए, और कॉन्ग्रेचुलेशन देव कनाल, कोई और तो बात नहीं कर रहा है, आई वॉन्ट हाइप, आई वॉन्ट ऑल द मीडिया शुड टॉक अबाउट इट, और इनको अप्रिशिएट करें, चाहे छोटा टूर्नामेंट है जो भी टूर्नामेंट है, 29 बॉल्स पे 102 रन करना इज एन अचीवमेंट, और इससे ये पता लगता है उसके अंदर केपेबिलिटी बहुत कुछ है, तो उस पर इन्वेस्टमेंट चाहिए और सपोर्ट चाहिए। लव यू ऑल, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे।